नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 7, राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं, डिजिटल सर्विस फॉर सिटीजन ऑफ राजस्थान। पहला पॉइंट आता है अपना राजस्थान में ई गवर्नेंस इन राजस्थान। ई गवर्नेंस में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना है। ई गवर्नेंस में एक सरकारी संरचना के अंतर्गत सूचना संचार लेन देन का आदान प्रदान सरकार द्वारा बनाए गए अलग अलग काम के लिए सिस्टम सेवाएं जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बैंक ऑफिस प्रक्रियाएं का इंटीग्रेशन होता है। ई गवर्नेंस के प्रमुख लाभ। सबसे पहला लाभ आता है नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता सेवाओं तक बेहतर पहुंच, बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटी सर्विस फॉर सिटीजन्स। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को वो सभी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना जिसे एक नागरिक को जन्म से मृत्यु समय तक जरूरत होती है। इसमें दूसरा आता है सरकार से सरलता और कार्यक्षमता और जवाबदेही। ई गवर्नेंस का असली उद्देश्य सरकार की कार्यप्रणाली को सरल बनाना, सरकार की निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी और सरकार के सभी विभागों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना है। इसी प्रकार तीसरा आता है शासन की विस्तारित पहुंच, एन एक्सपेंडेड रीच ऑफ गवर्नेंस। संचार प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास और प्रशासन में उसके अंगीकरण एंड एडॉप्शन से सरकारी सेवाओं को नागरिक के द्वार तक लाने में मदद मिलती है। सरकार के पहुंच इस वृद्धि से शासन की प्रक्रिया में नागरिकों को बेहतर भागीदारी संभव होती है। इस प्रकार इसके प्रमुख लाभ। अब हम बात करते हैं राजस्थान में ई गवर्नेंस के प्रमुख कार्यक्रम यानी मेजर ए गवर्नेंस इनिशिएटिव इन राजस्थान। इसमें सबसे पहला आता है हर नागरिक के लिए ई गवर्नेंस यानी ट्रू गवर्नेंस फॉर एवरीवन। इसमें हम भामाशाह, ई मित्र, राज संपर्क आदि को सेवाओं को ले सकते हैं। इसमें दूसरा आता है राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। इसमें 100 Mbps डेडिकेटेड कनेक्टिविटी मिलती है, 200 से अधिक वेबसाइट पोर्टल एंड एप्लीकेशन की होस्टिंग होती है। तीसरा आता है राजमैक। इसमें सास यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का क्लाउड इनेबलमेंट होता है। तीसरा आता है राजनेट। राजनेट में ग्राम पंचायत स्तर तक लैंड स्वैन ब्रॉडबैंड ओवर द एयर सेटेलाइट के माध्यम से संपर्क होता है। फिर आता है राजदरा। राजदरा में भौगोलिक सूचना प्रणाली की व्यवस्था होती है, मीन्स मैप का कार्य होता है जिसमें हम मैप देख सकते हैं। फिर आता है राज सेवा द्वार। सभी राज्यों के लिए संपर्क स्थापित करने वाला राष्ट्रीय राज्य निजी एप्लीकेशन सिस्टम की ओर से इंटीग्रेटेड एक गेटवे। फिर आता है राजस्थान एकल साइन ऑन और राज्य पोर्टल, एक व्यक्ति की पहचान। राज्य के हर नागरिक के लिए मैप के किए गए डेटा सेट और दस्तावेज के साथ। फिर आता है राज ईवोलेट। ईवोलेट से हम हमारे दस्तावेज सेव रख सकते हैं और कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जिसको हमें वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं होती है, इसी में वेरीफाई हो जाते हैं। फिर आता है राज ई साइन यानी कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली, यानी डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर से हमें सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती है। राज AM एंटरप्राइजेज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म। फिर आता है RAAS, इसमें आता है GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली। अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहला ई मित्रा। ई मित्रा का उद्देश्य है
नागरिक को विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों की विभिन्न सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराना, इससे नागरिकों को समय की बचत होती है और उन्हें अलग अलग ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ते हैं। महिलाओं को व्यवसाय का अवसर प्रदान करने सशक्त बनाना, जमीन स्तर पर लोगों के लिए रोजगार अवसर उत्पन्न करना, किसी भी समय कहीं भी सेवा उपलब्ध हो सकती है। इसमें एसएसओ के माध्यम से सेवाएं की सूची, जैसे गवर्नमेंट टू कस्टमर, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, मनरेगा, नगर निगम, पंचायत राज, एटीसी सेवाएं इसमें उपलब्ध होती हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन बिल, आईसीआईसी इंश्योरेंस, एलआईसी, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, अमेजन ऑनलाइन बाजार, डॉक्टरों की सेवाएं, एलईडी बल्ब, एटीसी बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विस होती है। घर से, होम से, एक नागरिक अपने एसएसओ पर लॉगिन करके राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को ई मित्र पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा आजकल कई फॉर्म हो गए जो आज कल एसएसओ के द्वारा भरे जाते हैं, वो खुद अपने आप भर सकता है। अब हम बात करते हैं भामाशाह योजना। भामाशाह योजना क्या है? भामाशाह योजना को 2008 में राजस्थान सरकार द्वारा सीधे लाभ स्थानांतरण प्रदान करने के लक्ष्य से लागू किया गया है। ये इस तरह है कि पहली योजना है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेश, महिला सशक्तिकरण और प्रभावी सेवा वितरण है। लक्ष्य लाभार्थियों को नगद एवं गैर लाभों को पारदर्शी तरीके से स्थानांतरित करने का एक प्लेटफॉर्म है। भामाशाह नामांकन, परिवार में नया जन्म, परिवार किसी व्यक्ति का विवाह, परिवार के सदस्य की मृत्यु, पते में बदलाव, जानकारी परिवर्तन, बैंक अकाउंट परिवर्तन, नामांकन के समय दी गई जानकारी में सुधार आदि नामांकन में कर सकते हैं। इसके अलावा भामाशाह कार्ड, दो प्रकार के कार्ड होते हैं, एक तो पारिवारिक कार्ड होता है, एक व्यक्तिगत कार्ड होता है। पारिवारिक कार्ड भामाशाह राज्य कार्ड द्वारा परिवार के मुखिया के लिए निःशुल्क जारी किया जाता है, जिसमें परिवार के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाती है। भामाशाह कार्ड आधार बनाने के दौरान अंकित की बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल करता है। दूसरा है व्यक्तिगत कार्ड, नामांकित परिवार का कोई भी सदस्य मामूली शुल्क भुगतान करके व्यक्तिगत कार्ड भी प्राप्त कर सकता है। यह कार्ड पहचान पत्र के साथ व्यक्ति को राज्य सरकार दिए जाने वाले अधिकारों की पात्रता भी दर्शाता है। इसके प्रत्यक्ष लाभ, ऐसे परिवार जो कई स्रोतों और कई रूपों में लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके सभी नकदी स्थानांतरण को एकत्रित करना, अत्यधिक तकनीक प्रौद्योगिकी व्यवस्था को अपनाना, राज्य सरकार की नीति बनाने के लिए कार्य नीति बनाने के लिए शासन के सभी स्तरों पर डेटा की वास्तविक समय उपलब्धता और सुनिश्चित करना, कल्याणकारी विकास योजनाओं के लिए धन से अधिक लाभ सुनिश्चित करना, नगद या चेक लेने से अधिक सुरक्षित और आसान तेज भुगतान। अब हम बात करते हैं राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क एक नवाचारी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। ये शिकायत निवारण के लिए एक पारदर्शी जवाबदेही व्यवस्था प्रदान करने के लिए राज्य के प्रवासियों को सशक्त बनाने की दिशा का एक कदम है। यह एक सेटेलाइट सिस्टम है जिसमें नागरिक कॉल सेंटर, वेब पोर्टल, वीडियो संपर्क सुविधा के माध्यम से अपनी शिकायत कर सकते हैं, उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य निवासियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुकूल, पारदर्शी जवाबदेह, प्रभावी, कुशल और स्वचालित शिकायत दर्ज करने और शिकायत निस्तारण करने का तंत्र है। सरकारी अधिकारियों को वास्तविक समय सूचना प्रदान करना, जिससे अधिकारी सही समय पर निर्णय ले सकें और शिकायत की उचित निगरानी कर सकें। सरकार में फैलों का मानवीय निस्तारण में कमी, तेजी से और वास्तविक समय अंतर विभाग के आंकड़ों का आदान प्रदान करना, निवासियों को शिकायत के अप टू डेट स्टेटस प्रदान करने सशक्त बनाना। इसके प्रमुख लाभ, राजस्थान संपर्क के प्रमुख लाभ हैं, पारंपरिक प्रणाली में अपनी शिकायत सुलझाने के लिए व्यक्ति को संबंधित अधिकारी से मिलना, कागज पर अनुरोध करना होता है। इस प्रक्रिया में समस्या मुद्दे को हल करके करने के लिए न केवल समय, धन, एफर्ट की बर्बादी होती है,
लेकिन व्यक्ति को खुद ही भी हमेशा उपस्थित होना पड़ता है। शिकायत निवारण के लिए पहले कोई परिभाषित एप्लीकेशन अस्तित्व में नहीं थी, इसके परिणाम स्वरूप अनुचित पेंडेंसी बनी रहती थी। अब वेब आधारित प्रणाली में सभी राज्य सरकार, सभी विभागों, अधिकारियों की पूरी हायरार्की शामिल की गई है। शिकायत निवारण निगरानी तंत्र प्रक्रिया, सबसे पहले इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, फिर आता है मॉडरेशन, फिर आता है अलोकेशन, फिर आता है निराकरण यानी डिस्पोजल, फिर आता है सत्यापन वेरिफिकेशन। पंजीकरण कैसे करें? राज्य सरकार द्वारा सक्षम शिकायत पंजीकृत दर्ज करने निवासी नीचे माध्यम से उपयोग कर सकते हैं, जैसे राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, ई मित्र कियोस्क, विभिन्न कार्यालयों में आईडी केंद्र, कॉल सेंटर आदि से शिकायत पंजीकरण करा सकते हैं। मॉडरेशन, शिकायत की स्वीकृति का पता लगाना, शिकायत अगर स्वीकार करने योग्य है तो पुनः जांच स्थापित करना, अगर शिकायत गलत विभाग को प्रेषित की गई है तो सही करना, शिकायत संबंधित पुराने रिकॉर्ड की पहचान, प्राथमिकता तय करना, पृथक्करण करना, निवारण प्रक्रिया आरंभ करना। इसके बाद में आवटन यानी अलोकेशन, इस प्रक्रिया में मॉडरेटर शिकायत निवारण करने के लिए शिकायत संबंधित अधिकारी को आवंटित करता है। लंबित शिकायतों का निदान करने के लिए अलग अलग इनबॉक्स की सुविधा, विभाग के एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को शिकायत ट्रांसफर करने के ऑनलाइन डेलीगेशन, SMS, ईमेल द्वारा डेलीगेशन की अधिसूचना, संबंधित अधिकारी द्वारा शिकायत को किसी और अधिकारी को भेजना, सिस्टम शिकायतकर्ता की सूची सूचना देता है। अब आता है निवारण, निराकरण यानी डिस्पोजल, शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई राहतें रिलीफ के आधार पर अंतिम डिस्पोजल और राहत अस्वीकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब मामले में अंतिम डिस्पोजल प्रदान नहीं किया जाता है, मामले को योग्यता के आधार पर शिकायत को दुविधा या आंशिक कार्यवाही श्रेणी के तहत रखा जाता है। इन शिकायतों को अंतिम डिस्पोजल श्रेणी में नहीं माना जाता है। निराकरण, डिस्पोजल शिकायतकर्ता को स्टेटस अपडेट वह सूचना देना, डिस्पोजल पर सभी संबंधित लोगों को SMS आउटबाउंड कॉल के जरिए स्टेटस अपडेट करना। फिर आता है सत्यापित, सत्यापन डिस्पोजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। इसमें यह जांचा जाता है कि शिकायतकर्ता उचित राहत दी गई है या नहीं। अब बात करते हैं हम ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी EPDS। भारत में ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई। इसके द्वारा समाज में गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है। कैसे लाभ प्राप्त करें? केंद्र और राज्य एक व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से BPL परिवारों की पहचान करते हैं और सरकार APL परिवारों की पहचान नहीं करती है, इसलिए गरीब रेखा के से ऊपर परिवार को भी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की लिए पात्र हैं। केंद्र का राज्यों को अनाज आवंटन, केंद्रीय स्टॉक में अनाज की उपलब्धता और राज्य सरकार पिछले 3 वर्षों से खरीदे गए औसत अनाज पर निर्भर करता है। इस लाभ के तहत मिलने वाली मुख्य वस्तुएं हैं गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, ETC यानी केरोसिन। इसके जहां से मिलता है उसको बोलते हैं हम फेयर प्राइस शॉप। ये गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी करना, राशन कार्ड राज्य सरकार देश और प्राधिकरण के तहत एक फाइल कार्ड है, उसे उचित मूल्य की दुकानों के जरूरी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। ई मित्र CSC पर राशन कार्ड के लिए आवेदन करना, यानी आप राशन कार्ड के लिए ई मित्र या CSC पे आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और आवेदन फॉर्म आवेदक आवश्यक दस्तावेज संलग्न होगा, जैसे मतदाता का पहचान पत्र, 2 रुपये मूल्य का अदालत शुल्क, आवासीय प्रमाण पत्र। पूरे दस्तावेज संलग्न होने के बाद आवेदन अपने क्षेत्र कार्यालय में फॉर्म जमा कराना होगा। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी राजधरा। प्रस्तावित एकीकृत राज्य व्यापक GIS डिसीशन सपोर्ट सिस्टम राज्यधरा का उद्देश्य OCG
मानकों पर आधारित एक भू पोर्टल को विकसित करना है, जिसके द्वारा भू स्थानिक डेटा का अधिग्रहण, प्रोसेस, संग्रहण, वितरण नियमित रूप से सुधार किया जाता है। यानी जैसे गूगल मैप है, उसी टाइप से ये भी काम करता है। अपन को कहाँ भी जाना हो, आप राजदरा ऐप डाउनलोड कर लें और उससे आप अपनी लोकेशन देख सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी BSBY। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका उद्देश्य है IPD में रोगियों को नगद सहित रहित सुविधा प्रदान किया जा सके, केवल राजस्थान के लोगों के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य मुख्य स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर बनाना है। ग्राहकों के लिए बीमारी के समय अतिरिक्त खर्च में कमी करते हुए वित्तीय कवर की पेशकश करना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल पर अतिरिक्त खर्च के वित्तीय जोखिम को स्वास्थ्य बीमा अपनाते हुए कम करना है। यह योजना सरकार के मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट गवर्नेंस के दृष्टिकोण को ध्यान रखकर बनाई गई है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ एंड बेनिफिट्स ऑफ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। अस्पतालों के लिए इन हाउस क्लेम प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मानकीकृत और पारदर्शी ग्रेडिंग मापदंड, सत्यापित और सुपरिभाषित चिकित्सा प्रोटोकॉल, जिले में सभी सरकारी अधिकारियों की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, स्वास्थ्य सेवाओं हेतु गरीबों के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा उपचार करने का अवसर। बेनिफिशरी ऑफ द स्कीम यानी योजना के लाभार्थी, लाभ पाने वाले परिवारों के प्रमुख पति पत्नी, लाभ पाने वाले बेटे बेटी उम्र जब तक वे काम शुरू करते हैं, वे शादी करते हैं 25 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, यह लाभकारी परिवार पर निर्भर है। लाभ पाने वाले परिवार पर निर्भर माता पिता, वर्णित परिवार सदस्य के अलावा यदि इस कार्ड का कोई भी व्यक्ति नाम उल्लेखित है इस योजना के तहत लाभ के पात्र हैं। लाभ प्राप्त करना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी समुदाय केंद्र सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं भामाशाह रोजगार सृजन योजना NBRSY। राजस्थान सरकार ने राज्य बेरोजगार युवाओं के लिए योजना उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। पात्रता, रजिस्टर्ड बेरोजगार कर्मचारी एक्सचेंज के साथ पंजीकृत नागरिक महिला, शिक्षित महिला, उच्च माध्यमिक विद्यालय पास होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति ST, अनुसूचित जाति, विकलांग सहित आवधिकों की कई श्रेणियां हैं। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन करना। राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन डाउनलोड करें, फॉर्म का प्रिंट आउट लें और पूरी तरह से भर लें। फॉर्म भरने के बाद आपको अपने क्षेत्रीय रोजगार विभाग या कार्यालय में जाना होगा। सभी दस्तावेज, शपथ पत्र, प्रमाण पत्र, सबूत और आवेदन पत्र जमा कराना होगा। आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अलपनामा, मूल निवास प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र आदि जमा कराना होगा। सभी दस्तावेजों को जमा कराने के बाद आपको दस्तावेजी सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होना होगा, जिसमें आपको अपने सभी पत्रों की मूल प्रति दिखाना होगा। सत्यापन के बाद आपको साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के बाद आप राष्ट्रीयकृत सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक माध्यम से अपने बैंक खाते में ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये अपना 7 चैप्टर कंप्लीट हुआ, डिजिटल सर्विस फॉर सिटीजन फॉर राजस्थान। आप सभी को धन्यवाद। वीडियो वॉच के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना सा है, आज के टाइम में बुक्स पढ़ने के बजाय हर व्यक्ति क्वेश्चन सुनना ज़्यादा पसंद करता है। यदि आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट्स जल्दी याद हो जाएंगे। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं बुक्स को शॉर्ट रूप में आपको प्रस्तुत कर सकें। इसके अलावा आगे मोस्ट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट पेपर है, और भी कोई गाइड है वो हम आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। उसके लिए आप
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो देखनी हो तो sscitjaipur.com/video_gallery.php या sscit.qsfind.com पर भी जाके देख सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आने वाली वीडियो आपको ऑटो मिल जाएगी। यदि आपका या अपने परिवार में या और अपने रिलेशन में किसी का एग्जाम हो या होएगा तो उनके लिए लाभदायक रहेगी। एग्जाम से पहले हम मोस्ट क्वेश्चन भी भेजेंगे और हो सका तो मोस्ट पेपर भी आप तक उपलब्ध हो सकता है। उसके लिए नीचे आप देखेंगे सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ग्रे कलर में बदल जाएगा और लिखा हुआ जाएगा सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। जैसे सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा उसके पास में आपको बेल भी दिखाई देगी। बेल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उसमें तीन ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है ऑल, उस पर क्लिक करेंगे तब भी हम आपको वीडियो भेजते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और उसमें आपको हेल्प मिल सके। धन्यवाद सभी मित्रों, धन्यवाद।